हाय गाइस, वेलकम टू यूट्यूब। तो आज के वीडियो में हम जानने वाले हैं एक सॉफ्टवेयर के बारे में जो कि यूज़ होते हैं हमारे 3D मॉडल्स को क्रिएट करने में। काफ़ी इजी है इस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करना और फ्री टू यूज़ है, जो कि इसकी काफ़ी अच्छी बात है, और हम इसे अब डाउनलोड करेंगे। सो गाइस, उससे पहले मैं डिस्कस करना चाहता हूँ कि क्यों हमें इन सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ती है। सो गाइस, काफ़ी ईजी आंसर है इसका। जब भी हम नोटबुक में डिज़ाइन करते हैं किसी भी चीज़ को, फॉर एग्जांपल अगर आप घर का रूम क्रिएट कर रहे हैं और आप चाहते हैं देखना कि अगर मैं वहाँ पे बेडरूम में बेड रखता हूँ या अलमीरा रखता हूँ या फिर टेबल या चेयर रखता हूँ उस जगह पे, तो वो जगह कैसी लगेगी, किस तरह का व्यू आएगा। सो 2D में वो चीज़ पॉसिबल नहीं है। देखा जाए तो 2D में हम सिर्फ उसका एक ही व्यू देख सकते हैं, फ्रंट व्यू, लेकिन 3D में हम देख सकते हैं आगे से, पीछे से, ऊपर से, नीचे से, हर जगह से हम देख सकते हैं कि किस तरह से जो है हमारा ऑब्जेक्ट दिखेगा और कैसा जो है हमारा रूम बनेगा। सो गाइस, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो इस वीडियो में हम डाउनलोड करेंगे उस सॉफ्टवेयर को जो कि यूज़ होने वाला है हमारा इस ट्यूटोरियल में। ओके, सो सॉफ्टवेयर का नाम है स्वीट होम 3D। तो गूगल खोलिए और स्वीट होम 3D लिखिए। अगर आपको इस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करना है तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पे लिंक दी है मैंने एक पोस्ट की, वहाँ पे जाके उसे क्लिक कीजिए और डाउनलोड कर लीजिए इस सॉफ्टवेयर को। सो गाइस, अब हमारे पास कुछ इस तरह की लिंक आएगी, www.sweethome3d.com। इसे मैंने डिस्क्रिप्शन भी दिया है, वहाँ पे चेक कर लीजिए। सो इसमें क्लिक करेंगे हम और इस तरह का पेज हमारे पास ओपन होके आ जाएगा। सो गाइस, यहाँ पे हमारे पास दी हुई है सॉफ्टवेयर की डॉक्यूमेंटेशन और इसके फीचर्स बताए हैं वगैरह वगैरह वगैरह। सो गाइस, अब इसे डाउनलोड करना काफ़ी इजी है। यहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगी, डाउनलोड स्वीट होम 3D, इसे क्लिक कीजिए और अब ये डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। इसका जो साइज़ है वो है 40 MB ऑलमोस्ट, और आप इसे ऑनलाइन भी यूज़ कर सकते हैं। मैं रिकमेंड करूँगा कि आप इसको डाउनलोड कीजिए और फिर यूज़ कीजिए, काफ़ी यूज़फुल है ये। सो जब आपके पास डाउनलोड हो जाएगा सॉफ्टवेयर, तो ओपन कीजिए वो फोल्डर जहाँ पे आपने इसे डाउनलोड किया है। तो यहाँ पे हमारे पास सेटअप है इसका, इस पर डबल क्लिक कीजिए और अब रन करेंगे हम इसे, और यहाँ पे लैंग्वेज को सिलेक्ट कर लेंगे। आपके पास वेरियस लैंग्वेजेस हैं, यहाँ पे डच है, एस्पनोला है, फ्रेंच है, इटालियन है, तो मैं इंग्लिश लूँगा। ओके, और फिर नेक्स्ट कर लेंगे, फिर एक्सेप्ट करना है एग्रीमेंट को और फिर नेक्स्ट, और फिर चूज़ कीजिए वो फोल्डर जहाँ पे आपको इसे इंस्टॉल करना है। तो मैं ई में करूँगा। ओके, और अब नेक्स्ट करेंगे, और आप यहाँ पे नेम दे सकते हैं इसे कोई भी। अब नेक्स्ट, अब क्रिएट डेस्कटॉप आइकन, यस, ओके, नेक्स्ट, इंस्टॉल। काफ़ी स्मॉल साइज का जो है ये सॉफ्टवेयर है, तो काफ़ी जल्दी इंस्टॉल हो जाएगा, और 10 सेकेंड में इंस्टॉल हो गया। फिनिश, अब इसे लॉन्च कर देते हैं। सो गाइस, अब हमने स्वीट होम 3D को लॉन्च कर लिया है। सो देखते हैं कि किस तरह का जो है ये एप्लीकेशन है। सो गाइस, इस तरह की जो है ये कुछ एप्लीकेशन दिखाई देती है हमारे पास। इसे स्टार्टिंग में यूज़ करना काफ़ी डिफ़िकल्ट लग सकता है, लेकिन ये बहुत इजी है यूज़ करना, मैं आपको बताता हूँ करके। यहाँ पे आपको लेफ्ट हैंड साइड में काफ़ी ऑप्शंस हैं, जैसे कि बाथरूम, बेडरूम। तो अगर मैं इनमें क्लिक करता हूँ बेडरूम में, सो यहाँ पे मेरे पास कुछ पिक्चर्स बन के आई हुई हैं। सो मैं इसे सिंपली ड्रैग करूँगा और इसे रख दूँगा। सो अब हमारे पास जो है इस तरह से ये आ गया डिज़ाइन हमारे पास। तो एक साइड में हम इसे डिज़ाइन करते हैं और एक साइड में हमें इसका जो है रिज़ल्ट डायरेक्ट शो होता है। अगर मैं यहाँ से एक और चीज़ें ड्रैग करता हूँ, तो यहाँ पे जो है रिज़ल्ट आता जाएगा मेरे पास, तो मैं इस तरह से चेक कर सकता हूँ। और यहाँ से जो है मैं इजीली पोजीशनिंग चेंज कर सकता हूँ, जैसे कि ये टेबल मैं यहाँ पे ड्रैग कर सकता हूँ, इनकी हाइट, ब्रेथ सब कुछ एडजस्ट कर सकता हूँ और इसे हर एंगल से देख सकता हूँ यहाँ पे। सो गाइस, नेक्स्ट वीडियो में जो होगा इसका ट्यूटोरियल होगा कि किस तरह से यूज़ करते हैं हम इसको, और इसके फीचर्स सब कुछ मैं एक ही बारी में बता दूंगा। तो उस वीडियो से आपको समझ आ जाएगा इसे किस तरह से यूज़ करते हैं। सो गाइस, ये थी इस सॉफ्टवेयर की इंस्टॉलेशन, किस तरह से इंस्टॉल करते हैं इसे और डाउनलोड करते हैं। सो गाइस, आई होप यू एंजॉयड। सो गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय, टेक केयर।